अजीतगढ़ नगर पालिका की अव्यवस्थाओं को लेकर आमजन में फूटा गुस्सा। आमजन ने कहा, अजीतगढ़ में सबसे पहली बड़ी समस्या यातायात व्यवस्था को लेकर है, जो लगातार दिन भर पूरे अजीतगढ़ शाम में जाम लगा रहता है, जिससे हजारों राहगीर होते हैं परेशान। आमजन ने बताया कि दुकानदार व ठेले वाले दुकान के सामने अवैध कब्जा कर रहे हैं और कुछ वाहन चालक भी सड़क पर अपना वाहन खड़ा करने से आमजन को हरियाणा, दिल्ली, अलवर से खाटू श्याम जाने वाले सारे यात्री होते हैं परेशान। इस नगर पालिका की अव्यवस्थाओं को लेकर हमारे पत्रकार ओम प्रकाश यादव से आमजन की खास बातचीत, देखें यह रिपोर्ट। मैंने देखा है कि सड़क के ऊपर काफी अवैध रूप से अतिक्रमण दुकान वाले भी कर रखे हैं, जो ठेले वाले भी कर रखे हैं, अतिक्रमण दुकान वाले भी कर रखे हैं और ठेले वाले भी कर रखे हैं, थोड़ा थोड़ा सभी बढ़ा रखे हैं, रोड को जाम कर रखे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई हो पाई? अभी तक कुछ नहीं हुई। तो क्या यहाँ के जो प्रशासन अधिकारी हैं सब गहरी नींद में हैं? सब नींद में हैं जी, कोई जगह ही नहीं है। देखो आए दिन जाम लगा हुआ रहता है लगातार। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा तो यहाँ पे एम्बुलेंस जा रही थी, कभी उसको 15 मिनट यहाँ पे से निकलने में लग गई। यदि किसी पेशेंट की सीरियस हालत है तो क्या वो पहुँच पाएगा जयपुर? वो नहीं पहुँच पाएगा जी। वो तो क्या प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? अब ये तो देखो मिली भगत होती होगी इनकी, प्रशासन की। हमारे पास एक और अंकल जी मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। होली के पावन पर्व पर आप क्या कहना चाहोगे सिर्फ दर्शकों को? किस मामले में? होली के पावन पर्व है, इसमें तो दर्शकों को बस होली खुश मंगल से मनाओ। एजाज भाटी जी, मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अजीतगढ़ जो मुख्य बाजार में हम मेन रोड पे खड़े हैं और यहाँ पे जब यातायात की बात करते हैं, अजीतगढ़ नगर पालिका बन चुकी है फिर भी जाम की स्थिति बन चुकी है, ऐसा कारण क्या है कि लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है? अजीतगढ़ नगर पालिका तो बन चुकी है लेकिन नगर पालिका द्वारा यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल जाम लगा रहता है। यहाँ पर जो इमरजेंसी में जो भी सुविधा देती है वो भी यहाँ जाम में फंस जाते हैं। नगर पालिका के नाम पर सिर्फ नगर पालिका वाकई और कुछ भी आप नहीं। आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं, ये 108 एम्बुलेंस है और लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। अब मानो यदि कोई इमरजेंसी सेवा है और पेशेंट इसमें बैठा हो तो इस भीड़ में आप समझते हैं करीब आधी घंटा लग जाएगा। अजीगढ़ से सिटी से निकलते हुए अभी आपके सामने जो सीधी तस्वीर दिखी है 108 एम्बुलेंस की, जिसमें मरीज बैठा हुआ है, इस जाम की स्थिति से कई बार क्षेत्र के स्थानीय लोगों को बीमारों को खुला मैं खुद बोला था जाम खुला रहे, कोई सर का पुलिस वाला नहीं आऊँ, पुलिस वाला आऊँ तो फिर चालान रखने भाग जाए 500 को, 1000 को, 2000 को। यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है। नहीं जाम खुलवाते? नहीं आते हैं, जाम खुद खुलाते हैं वाले, सबसे पूछ लो, मैं खुलाता हूँ खुद खुला रह के। तो फिर ये बताओ, जिससे पुलिस प्रशासन कोई अपनी व्यवस्था नहीं कर सकती? व्यवस्था पुलिस वाले क्या करे, तो चालान कर जाए घंटा आधी घंटे हम कटवा लेंगे और फिर दोबारा लेके खड़ा कर देंगे। चालान तो चाहते हैं या कहते हैं चालान तो आएगा। चलो हम हमारे साथ अंकल जी, अंकल जी नाम क्या आपका? नाम मेरा बहादुर सिंह बड़गुजर। अच्छा, सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आपको भी साहब। और सबसे पहला जो अहम मुद्दा है, लगातार सोशल मीडिया पे चलता है कि अजीतगढ़ नगर पालिका बन चुकी है, सड़कों को लेकर, सफाई को लेकर, यातायात व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही ग्राउंड लेवल से हमें, ये क्या वजह है, क्या कारण है? अब ये नई बनी है 2-3 महीने से। अब बजट आया है कि नहीं आया, बजट से हमें क्या मतलब है? लेकिन साफ सफाई का काम यहाँ बहुत ही कम, 2-4% के हिसाब से हो रहा है। तो कि झाड़ू निकल के पता मुझे कहते स्वच्छ भारत अभियान का अंतर्गत पैसा भी ग्राम पंचायत तक पहुंचता है, ये तो नगर पालिका काफी पैसा आता होगा। बस इतना ही है, झाड़ू निकाल दी और ये थोड़ा बहुत कचरा उठा के चले गए, बस इतना ही सफाई होती है यहाँ। तो क्या नगर पालिका सिर्फ कागजों तक सिमट के रह गई? सिमट के नहीं, चालू ही काम हुई अभी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि नगर पालिका नाम मिल गया, काम अभी चालू हुआ ही नहीं, चालू आई नहीं कुछ भी एक्चुअल। तो यातायात व्यवस्था में तो पुलिस प्रशासन भी काफी मदद करता होगा? बिल्कुल करता है, और प्रशासन में मदद क्या करता है, देखो यातायात का दुकान है, रोड की एक भी फुट जो हमने नहीं छोड़ रखी है, बिल्कुल नहीं होगा। तो आप सभी देख सकते हैं ये आम नागरिक की समस्या है, चाहे वाहन चालकों से लेकर बात करें, चाहे राहगीर से लेकर बात करें, सीधी तस्वीर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये यातायात व्यवस्था से लेकर, सफाई से लेकर, यहाँ की गंदी नालियों से लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। ये सीधी तस्वीर आप सभी को जो दिखा रहा हूँ ये अजीतगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल के सामने की है, जहाँ पर आम लोगों का गुस्सा लगातार फूट रहा है।
बिल्कुल हकीकत है, नगर पालिका बन चुकी है लेकिन सिर्फ कागजों तक सिमट के रह गई। मैं तमाम प्रशासन अधिकारियों से अपील करता हूँ कि इन लोगों की, आम लोगों की जो समस्या है, इस समस्या को ध्यान में रखते हुए इस यातायात की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चालू किया जाए और नगर पालिका सिर्फ कागजों में ही नहीं आम लोगों के बीच में आकर इस समस्याओं का निदान करे। इन जितने भी जो राहगीर हैं, जो ट्रांसपोर्ट वाहन चालक हैं, आम मेडिकल शॉप वाले हैं, बिल्डिंग वाले हैं, सारे लोग परेशान हैं। मैं इस खबर के माध्यम से तमाम प्रशासन अधिकारियों से अपील करता हूं कि यदि इस खबर का असर नहीं हुआ, हम फिर से लगातार आप सभी के सामने ये खबर दिखाएंगे। हमारे साथ में एक और हम खास बातचीत करेंगे। सर आपका नाम क्या है? कुछ नहीं बोलो सर, बोलना तो पड़ेगा जिगर के लिए कुछ विकास। क्या बात है यार। देखिए, ये मौन रहना भी बड़ी चीज है। अपने को मौन नहीं रहना है, अपने को बिल्कुल जो सत्यता है उस सत्यता के बारे में बात करनी होगी। यदि काम करवाना है, यदि क्षेत्र के बीच में जो समस्याओं को उजागर करना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इस खबर को आम नागरिक तक पहुंचे, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचे। हमारे साथ में एक और सर, मोसर आपका नाम क्या है? डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा। डॉक्टर कैलाश जी शर्मा हमारे बीच में मौजूद है। बैठता हूँ अजीतगढ़ ब्लॉक। जी जी सर, मैं ये कह रहा था ब्लॉक आयुर्वेद। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आज होली के लिए, सभी क्षेत्र को ये बताइए, क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामना के लिए। सभी को होली की शुभकामनाएं बहुत बहुत। और इसके बाद पहला क्वेश्चन मेरा ये है, अजीतगढ़ नगर पालिका बन चुकी है और यातायात व्यवस्था को लेकर नगर पालिका जो प्रशासन अधिकारी हो चाहे पुलिस प्रशासन अधिकारी, कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। आज होली का पौन पर्व है लेकिन किसी प्रकार से भी कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं है, ये क्या वजह है? ये सबसे ज़्यादा तो ये गंदगी वाला और ये जो नाली वाला है ना, यहाँ से एक बार मैंने मोटरसाइकिल चढ़ाई तो मैं गिर गया था, तो 20,000 का तो मोबाइल का नुकसान हुआ। मतलब बट ये जो सफाई और ये नाली बनना, ये सफाई होना बहुत आवश्यक है और यातायात